नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। गृह मंत्री राजनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को दी कश्मीर की रिपोर्ट। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य करेंगे बैठक। जम्मू कश्मीर के लिए बनेगी भावी योजना। सुब्रमण्यम स्वामी का बीजेपी पीडीपी सरकार पर हमला, बोले ये गठबंधन बना ही डूबने को था। जम्मू कश्मीर में की राष्ट्रपति शासन की मांग, महबूबा सरकार से मांगा इस्तीफा। देवरिया से राहुल गांधी की किसान महायात्रा शुरू, खाट पंचायत के जरिए यूपी में वापसी के लिए कांग्रेस ने लगाया जोर। दिल्ली तक की यात्रा करेंगे राहुल। कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बड़ा विवाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। और मां की गाली देने के बाद फिलीपींस के राष्ट्रपति ने ओबामा से मांगी माफी। अपमान के कारण ओबामा ने राष्ट्रपति रोड्रिगो के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय बैठक को कर दिया था रद्द। और अब देखते हैं आज की पांच बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सांसदों के सर्वदलीय दल के दो दिन के कश्मीर दौरे के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में पूरी जानकारी दी। आज सुबह ही राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 20 पार्टियों के 26 सांसदों के दल के नेतृत्व करने वाले राजनाथ सिंह ने कहा कि ये कहना गलत होगा कि दौरा विफल रहा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राजनाथ सिंह राज्य ने जमीनी हालात के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के आकलन की जानकारी पीएम मोदी को दी है। प्रधानमंत्री वियतनाम और चीन की यात्रा के बाद सोमवार रात राजधानी लौट आए हैं। सोमवार की शाम गृह मंत्री भी जम्मू कश्मीर के दौरे से वापस लौट आए हैं। सूत्रों ने बताया कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य दो दिवसीय यात्रा के निष्कर्षों पर चर्चा के लिए यहां बैठक करेंगे और जम्मू कश्मीर के लिए भावी योजना बनाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने बीते 1.5 साल के दौरान आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के मंत्रियों, निजी स्टाफ और अन्य अधिकारियों की ओर से किए गए विदेश दौरों का ब्यौरा मांगा है। उपराज्यपाल के दफ्तर ने ये ब्यौरा 12 सितंबर तक जमा करने का निर्देश दिया है। इस ब्यौरे में यात्रा का कारण, किस देश की यात्रा की गई, यात्रा की अवधि और किस श्रेणी के तहत यात्रा की गई, इसका ब्यौरा देना होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन ने हाल ही में वेटिकन सिटी का दौरा किया और वो आज ही देश वापस लौट रहे हैं। सरकार बनने के बाद केजरीवाल का ये पहला विदेश दौरा था। बीते 1.5 साल में सीएम अरविंद केजरीवाल 1 बार, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 4 बार, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 4 और श्रम मंत्री गोपाल राय 1 बार विदेश दौरे पर गए हैं, जिसमें करीब 35 से 40 लाख रुपए खर्च का अनुमान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगले हफ्ते अपने गले के ऑपरेशन के लिए बेंगलुरु जाएंगे और 8 से 10 दिन तक वहीं आराम करेंगे। पिछले कुछ सालों से अपनी खांसी से लगातार परेशान चल रहे केजरीवाल को पिछले हफ्ते मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। अरविंद केजरीवाल ने रोम से पंजाब के नाम दिए संदेश में कहा भी था, मैं 13 तारीख को अपने एक ऑपरेशन के लिए जाऊंगा और 10 दिन बाद फिर पंजाब लौटूंगा। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली का जिम्मा संभालेंगे। सूत्र बताते हैं कि पिछले साल मार्च में बेंगलुरु में नेचुरोपैथी से इलाज कराने से केजरीवाल को खांसी में बहुत राहत मिली थी, लेकिन इस साल जनवरी फरवरी में 10 दिन के लिए फिर की गई नेचुरोपैथी से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हो पाया। कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद तेज होता जा रहा है। जल विवाद को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ मंगलवार को कावेरी हौरादा समिति ने मांड्या में बंद का आह्वान किया है। बंद को देखते हुए राज्य सरकार ने करीब 2400 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। इस वजह से तमिलनाडु के होसुर बॉर्डर पर काफी संख्या में बस और दूसरी गाड़ियां रुकी हुई हैं। कावेरी विवाद पर प्रदर्शन के मद्देनजर कृष्ण राजा सागर डैम और वृंदावन गार्डन को 4 दिन तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा के लिए कर्नाटक के सीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 10 दिन के अंदर करीब 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था।
यूपी में अपनी पार्टी का 27 साल से चल रहा वनवास खत्म करने की कोशिश में जुटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पूर्वांचल के देवरिया जिले से 25 दिनों की किसान यात्रा पर निकले। राहुल गांधी ने इस बार घाट पंचायत की रणनीति बनाई है। राहुल रुद्रपुर के दूधनाथ बाबा मंदिर मैदान में घाट पंचायत के दौरान जनता से सीधे संवाद किया। राहुल ने कहा है कि देवरिया से दिल्ली तक 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस यात्रा का लक्ष्य सरकारी संसाधनों में गरीबों, किसानों और मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित करना है। कांग्रेस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार राहुल की किसान यात्रा के दौरान कांग्रेस हर घर तक पहुंचकर किसानों का मांग पत्र इकट्ठे करेगी। यात्रा के दौरान किसानों से सीधा संवाद कायम करने के लिए घाट पंचायत का आयोजन किया जाएगा। अब फटाफट एक नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। जम्मू के पुंछ सेक्टर में सोमवार रात से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। भारतीय सेना की 6 पोस्ट को निशाना बनाया गया है। रुक रुक कर मोर्टार भी दागे जा रहे हैं। रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने भी इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने JNU प्रशासन को अनुशासनहीनता में दोषी करार दिए गए छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य पर एक हफ्ते तक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के लिए JNU अपीलीय प्राधिकरण के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें दोनों छात्रों को अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया है। बिहार के इंटर टॉपर स्कैम की जाँच कर रही SIT ने कोर्ट में कल आरोप पत्र दाखिल किया। घोटाले को लेकर दर्ज हुए मुकदमे के ठीक 90 दिन पूरे होने पर SIT ने ये चार्जशीट दायर की है। 4124 पन्नों में इंटर टॉपर घोटाला में शामिल आरोपियों के खिलाफ उनकी सारी करतूतों को SIT ने दर्ज किया है। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिए जाने के बाद अब इंटर टॉपर घोटाले में शामिल आरोपियों के खिलाफ गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। SIT ने बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लाल केशवर प्रसाद, उनकी पत्नी उषा सिन्हा, मास्टरमाइंड बच्चा राय समेत उन तमाम आरोपियों का काला चिट्ठा दर्ज किया है जो इस स्कैम में शामिल है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आप नेता आशुतोष को 8 सितंबर को आयोग मुख्यालय में हाजिर होने के लिए समन भेजा है। आयोग को उम्मीद है कि आशुतोष कायरता दिखाकर वकील से जवाब भेजने की बजाय खुद हाजिर होकर आयोग के सवालों का सामना करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम ने आशुतोष की हरकतों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह आशुतोष पहले ब्लॉग और अब ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे में हम उनसे सवाल तो करेंगे ही। आशुतोष ने सेक्स सीरीज मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार का बचाव करते हुए कई आपत्तिजनक बातें कही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने फिर नाराजगी जताई है। दिल्ली सरकार के मंत्री संदीप कुमार की सेक्स सीरीज सामने आने के बाद हुए हंगामे पर अन्ना ने कहा कि उन्होंने पहले ही केजरीवाल को आगाह किया था लेकिन केजरीवाल ने उनकी कोई बात नहीं मानी। आम आदमी पार्टी विधायक के संगीन आरोपों का जवाब देने के लिए 24 घंटे बाद खुद संजय सिंह सामने आए। संजय सिंह ने एक बेहद आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप विधायक देवेंद्र सहरावत को चुनौती दी और कहा कि अगर सहरावत सबूत पेश कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सहरावत ने आपके संजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं पर पंजाब में टिकट के बदले यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। संजय सिंह के मुताबिक दरअसल ये एक षड्यंत्र है BJP और अकाली दल का, क्योंकि हम पंजाब में 100 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल कल रात तीसरा शक्तिशाली विस्फोट से दहल गया। कुछ घंटे पहले ही तालिबान की ओर से किए गए 2 बम विस्फोटों में कम से कम 24 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 91 अन्य घायल हो गए थे। इस विस्फोट की अभी किसी भी आतंकवादी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है। पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कप्तान रिकी पोंटिंग ने एक समय क्रिकेट के मैदान पर उनके सबसे बड़े दुश्मन रहे भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह की जमकर तारीफ की है।
उन्होंने बताया कि हरभजन उनके दुश्मन नंबर वन थे और उन्हें आज भी भज्जी के बारे में बुरे सपने आते हैं। पाकिस्तान की विश्व कप के लिए स्वतः क्वालिफाई करने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज में 1-4 से हारने के कारण अपनी सबसे कम रेटिंग 86 पर पहुंच गया है, जिसे विश्व कप 2019 के लिए स्वतः क्वालिफाई करना मुश्किल होगा। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।